छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सोमवार देर रात एक मकान में आग लग गई। इस दौरान मकान के अंदर सो रहे किसान की जिंदा जलकर मौत भी हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हादसे की सूचना मंगलवार को तहसीलदार और भोपालपट्टनम थाने को दी गई है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से आगे की कार्यवाही की जा रही है। लोगों ने परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर के भोपालपट्टनम ब्लॉक के करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बारेगुड़ा निवासी गुरला शंकर किसानी करता था। उसके मकान में सोमवार देर रात आग लग गई। घटना का पता अगले दिन मंगलवार सुबह लोगों को पता चला। इसके बाद ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य बसंत राव ताटी को इसकी जानकारी दी। वहीं ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे तो मकान जलकर खाक हो चुका था। अंदर ही शव पड़ा हुआ था, वह भी जलकर बुरी तरह से खाक हो चुका था। आशंका जताई जा रही है कि गहरी नींद में होने के कारण किसान गुरला शंकर को आग का पता ही नहीं चला होगा और उसकी चपेट में आकर झुलस कर मर गया। हादसे के दौरान मकान में और कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी ने हादसे पर दुख जताते हुए परिजनों को मुआवजा दिलाने की बात कही है। देश टीवी के लिए बीजापुर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट।